प्रिय अभिभावक नमस्कार। आज हम कक्षा एक दो के बच्चों की पढ़ाई और उनकी आगे की तैयारी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है, साल भर से स्कूल नहीं खुले हैं और बच्चों को शिक्षकों से सीखने के कम ही अवसर मिले हैं। इसलिए राज्य शासन द्वारा बच्चों के कोर्स को 40% तक कम कर दिया गया, जो कि पूरे साल के कोर्स के लगभग आधे के बराबर है। हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम के तहत बच्चों की पढ़ने लिखने और गणित हल करने की बुनियादी दक्षताओं को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। बच्चों को पढ़ने लिखने के और अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए फोन के माध्यम से सीखने की सामग्री लगातार भेजी जा रही है। प्रतिदिन व्हाट्सएप के माध्यम से पढ़ाई से संबंधित वीडियो भेजे जा रहे हैं। ठीक इसी तरह रोज सुबह 9:30 से 10:30 बजे तक रेडियो कक्षा का संचालन किया जाता है और हाँ, हर सप्ताह व्हाट्सएप के माध्यम से बच्चों की परीक्षा भी ली जाती है। प्रत्येक बच्चे को उसकी कक्षा की पाठ्य पुस्तक दी गई है, साथ ही कक्षा 2 के बच्चों के लिए ब्रिज कोर्स पुस्तिका भी दी गई है। ब्रिज कोर्स पुस्तिका एक किताब है जिसमें बच्चों के पिछले वर्ष के पाठ्यक्रम से कुछ महत्वपूर्ण पाठों को शामिल किया जाता है। अब हर सप्ताह शिक्षक आपसे और आपके बच्चों से कम 2 बार बात करेंगे। इस बातचीत के दौरान आप शिक्षक से बच्चों की पढ़ाई के बारे में चर्चा कर सकते हैं और उनसे सलाह ले सकते हैं। जरूरी है कि आप यानी अभिभावक घर पर बच्चों की पढ़ाई में सहयोग करें। मैं आपको कुछ खास बातें बताने जा रहा हूँ जिनको ध्यान में रखकर आप बच्चों की मदद कर सकते हैं। बच्चों को घर पर पढ़ने के लिए एक जगह तय कर दें, जहाँ पर तय समय में बैठकर बच्चे कम से कम 2 घंटे तक पढ़ाई करें। प्रतिदिन 1 पेज हिंदी, 1 पेज अंग्रेजी, 1 पेज गिनती व पहाड़े को पढ़ें और उसकी नकल करें। अभिभावक बच्चों द्वारा लिखे हुए पाठ को हर दिन चेक करें, ताकि उनको यह महसूस हो कि उनकी कॉपी हर दिन चेक की जा रही है। बच्चे को हर दिन कोई एक कहानी, लोकगीत या लोक कथा अवश्य सुनाएं, उस पर चर्चा करें और कहानी के पात्रों के चित्र बनाने के लिए भी बच्चे को प्रोत्साहित करें। प्रतिदिन कोई एक खेल खेलने, योग करने अथवा व्यायाम करने के लिए बच्चे को कहें। अलग अलग आकृतियों की पहचान के लिए बच्चे को घर के अलग अलग तरह के बर्तनों को दिखाएं और उस पर चर्चा करें। बच्चे को अपने आसपास की वस्तुओं को देखने के लिए भी प्रेरित करें। यदि विद्यालय नहीं खुलते हैं तो बच्चे को घर पर करने के लिए जो प्रोजेक्ट दिए जा रहे हैं उनके द्वारा, और अगर विद्यालय खुल जाते हैं तो बच्चों की सामान्य रूप से परीक्षा होगी। अधिक जानकारी के लिए आप अपने बच्चे के शिक्षक से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।